तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? सबको जो घर में जो इस टाइम चैनल देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, और जितनी यूट्यूब फैमिली है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको कलेजी। वो मुझे किस तरह सॉफ्ट बनेगी, क्या इसमें मसला होता है जो हार्ड हो जाती है, तो अपने तरीके से मैं बनाना सिखा रही हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं मसाले वाली कलेजी। कलेजी बनाएंगे मसाले वाली, तो इसकी मेन चीज होती है कलेजी से जो स्मेल आती है, वो स्मेल को दूर करने के लिए इसको मैंने 1 कप दूध लिया है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन लिया है। वो मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए उसमें डिप करके रखे। कलेजी का कलर बिल्कुल साफ हो गया, इसमें ब्लड वगैरह जो नजर आता बिल्कुल वो सारा इसमें दूध में आ गया। ये देखें दूध का कलर देखें और कलेजी का कलर देखें, बिल्कुल साफ हो गई है। इसको आप वॉश करेंगे। वॉश करने से पहले आप इसका जो ये पानी इसने छोड़ा हुआ है ये रिमूव करते हैं। ये कलेजी जो सख्त हो जाती है वो इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, कलेजी के ऊपर। अगर आप साबत ले लें कलेजी, उसका स्ट्रिप्स में काट लें उसको, और ये आराम से आपकी झिल्ली ये वाली जो है ये उतर जाएगी। स्ट्रिप्स में लेंगे तो ये देखें, ये बड़े आराम से इस तरह पकड़ेंगे, ये देखें ये झिल्ली इसकी निकल गई सारी। इसी तरह दूसरी की निकाल लेंगे। ये बड़े आराम से निकल जाती है, ये देखें। इसी तरह सबसे झिल्ली उतार लेंगे। अगर ना भी उतारें तो इसको ज़्यादा ना पकाएं। और जिनको ज़्यादा मसला होता है हार्ड होने का, या हार्ड ना हो तो वो ये ज़रूर इसकी रिमूव कर दें ऊपर से, ये ब्रेक वाली झिल्ली ये मोटी है जहाँ से, ये देखें ये आराम से उतर रही है ऊपर से। टिप्स में काटेंगे ना इस तरह लंबाई में, तो ये आराम से ये झिल्ली सारी इसकी पूरी की पूरी उतर जाएगी। देखिए कितनी साफ हो गई। अब इसको वॉश करेंगे पानी से। इसको 2-3 दफ़ा मैंने वॉश कर दिया। कलर देखें कलेजी का, बिल्कुल रेडनेश नहीं रही, ब्लैक भी इसका साफ हो गया है। और कलेजी भी आप जब बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। सिर्फ ये रखना कि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है आपने। ये कलेजी वॉश की हुई है, ये इसका मसाला है। ये प्याज 1 है दरमियाने साइज की, टमाटर 1 है बड़े वाला, ये लहसुन है, ये अदरक है जुलियन कटा हुआ, ये सब्ज़ मिर्चियाँ हैं ये मैंने फ्री काट ली है, ये लेमन बाद में जाएगा, ये स्पाइसेस हैं इसकी, ये चाट मसाला है, ये रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून है, ये धनिया जीरा पिसा हुआ कुटा हुआ भून के मैंने इसको मोटा सा दरदरा सा पिसा हुआ है, ये नमक है 1/2 टीस्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। ये प्रेशर में सबसे पहले प्याज डालेंगे। आप तेजकी में भी बना सकते हैं लेकिन प्रेशर में ज़रा जल्दी बन जाता है। ये लहसुन है, ये अदरक थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, हरी मिर्ची थोड़ा सा अदरक गार्निश में डालेंगे। इसमें 1 कप पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए वेट लगा। 1 कप पानी डाल दिया है, ये सारे मसाले टमाटर प्याज अदरक और लहसुन, ये 5 मिनट के लिए इसको वेट लगेगी। पूरे 5 मिनट इसको हो गए, ये देखो पानी इसका ड्राई हो गया इसमें से। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह मैश करते हैं इसमें। इसी में 1/2 कप ऑयल डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी, इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जाएगी कलेजी, चेंज हो जाए। सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है आपने, ज़्यादा नहीं इसको पकाना। जितना ज़्यादा इसको पकाते जाएंगे उतनी ये हार्ड होती जाएगी, बाद में सफ़र कलेजी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। ये कलेजी जरूर घर में बनाए, ईद वाले दिन बना के ये ट्राई करें सबसे पहले, बहुत पसंद आएगी सबको, बहुत शौक से भी खाएंगे। इसमें ना तो कोई स्मेल है ना ही ये हार्ड होगी। दूध में भी भिगोया मैंने, इस वजह से ये सॉफ्ट हो गई है। ऊपर से झिल्ली उतार दी है वो उससे भी सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। ये मुँह में जाते ही घन के साथ खाएँ, फिर मेरी रोटी के साथ खाएँ, ऐसे ही खाएँ, लेमन ऊपर निचोड़ लें लेमन जूस और ऐसे ही खाएँ इसको, फिर भी बहुत मज़ेदार लगती है ये। ये ऑप्शनल है, आप अगर ज़्यादा थोड़ा सा मसाला बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/2 कप दही का ऐड कर दें। तो 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी, ढक दूंगी ऊपर से,
इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, गल गई है बिल्कुल। इसमें ऐड करेंगे ये धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, ये गरम मसाला पाउडर ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये चाट मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया जीरा मैंने इसलिए डाला एंड में कि इसका कलर ख़राब ना हो, और ये लेमन जूस से लास्ट में आपने डालना है, और साथ भी काट के रख दें, प्याज के लच्छे काट लें, खीरा काट लें, टमाटर काट दें, साथ लेमन रख दें, और जिसकी को अच्छा लगे जिसको वो जो जो चीज़ भी डालना चाहे इसमें ऐड कर लें, और सैलड तो लाजमी इसके साथ रखें। कलेजी हमारी तैयार हो गई है और इसमें कुछ नहीं डालना, ये देखें मसाला इसका, और इसका कलर चेक करें, कोई इसमें ब्लड वगैरह नहीं आया मसाले में भी और कलेजी में भी, ये चेक करें। जो स्पोर्ट से बन जाते हैं, डॉट से आ जाते हैं बीच में, वो ब्लड के होते हैं कलेजी के, वो मैंने दूध में जब भी गोया वो सारे इसमें से निकल गए हैं, और स्मेल भी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी मैं डिश आउट करके आपको ये दिखाती हूँ। देखिए हमारी पहले मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बनी है, मसाले वाली है ये, और बाद में मैं जो बना के आपको दूसरी रेसिपी दूँगी वो फ्राई कलेजी होगी। ये नान के साथ खाएं, आप चपाती के साथ खाएं, जिस तरह भी आप खाएं, ये देखें इसका मसाला इतना मज़ेदार है, और ये कलेजी भी। इसको दूध में थोड़ा सा भिगो दिया, ऊपर से मैंने चिली इसकी रिमूव कर दी है, और उस वजह से ये बहुत सॉफ्ट बन गई है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पकाना नहीं है आपने, जो ज़्यादा पका लेते हैं ना हम लोग, तो उसी वजह से ये होता है कि कलेजी हार्ड हो जाती है, जितना इसको पकाते जाएंगे उतनी ये हार्ड होती जाएगी। इस तरह झींगे बनाएं, उसको ज़्यादा बनाएंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे, थोड़ा बनाएंगे तो वो सही रहेंगे। इसी तरह अंडर कट का भी यही है, उसको भी ज़्यादा पकाएंगे वो हार्ड हो जाएगा, थोड़ा पकाएंगे सॉफ्ट हो जाएगा। आप ज़रूर ये घर में बनाएं, ट्राई करें कलेजी ईद पे। पहली रेसिपी ये है ईद की, सबसे ज़्यादा बनता ये घर में कलेजी बनती है सबसे पहले, तो आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।